नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रैकर्स आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे 2 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। जो 1 दिसंबर के एमसीक्यूज हैं वो भी मिलेंगे आपको कुछ समय बाद। हम डिस्कस करते हैं ये एमसीक्यूज द हिंदू के, पीआईबी के और इंडियन एक्सप्रेस के। हमने इन करंट अफेयर के अलावा बनाए हैं एमसीक्यूज हमारे टॉपिक्स इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे, मॉडर्न इंडिया पे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पे, इंडियन इकोनॉमी, एंशियंट इंडिया, आर्ट एंड कल्चर पे भी। इन्हें आप देख सकते हैं। हमारे वीडियोस और पीडीएफ्स मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका आईडी है क्रैकर्स आईएएस एकेडमी, और मेरे फेसबुक पेज क्रैकर्स आईएएस एकेडमी पर ही। चलिए, हमारा पहला सवाल है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर। ये न्यूज़ आई है इंडियन एक्सप्रेस पेज नंबर 1 पे। स्टेट्स विथ पुअर हेल्थ सिस्टम शो लोएस्ट एवरेज पीएमजेएवाई क्लेम। देखो, हम लोग स्कीम तो लॉन्च कर देते हैं, स्कीम पर सवाल आता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, और ये जो स्कीम की जो एनालिसिस है इस पर सवाल आता है यूपीएससी मेंस में। ये स्कीम का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, क्या इश्यूज हैं, क्या परफॉर्मेंस है इसका, क्या कर सकते हैं इसको सुधार करने के लिए, सारी बातें पूछती हैं हम लोगों से यूपीएससी मेंस में। फॉर एग्जांपल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर मेंस में सवाल आ चुका है पहले। हो सकता है कि इस साल मतलब 2020 में सवाल आए पीएम जन आरोग्य योजना पर, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बड़ी स्कीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। हमने आपको दिया 3 बातें इस स्कीम के बारे में। इट विल कवर बेनिफिशरीज फैमिली आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। जब भी आपको स्कीम पढ़ें आपको ध्यान देनी है ये बातें। पहला, उस स्कीम को लॉन्च कौन सा मंत्रालय करता है, मिनिस्ट्री कौन सी है उसकी। दूसरा, उसको इम्प्लीमेंट कौन सा करता है। तीसरा, उसकी फंडिंग कहाँ से आती है, ठीक है। और जो चौथा है, बेनिफिशियरी की आइडेंटिटी कैसे मतलब वहाँ पे आएगी, बेनिफिशियरी को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ये 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो जो जन आरोग्य योजना है इसके बेनिफिशियरी होंगे वो लोग जो गरीब होंगे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के तहत। मेरे यहाँ पर पहला सही है। दूसरा, इट एक्सक्लूड ऑल प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। जो भी, देखिए, ये वाला कार्ड बनाने से पहले अगर आपको कोई बीमारी है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, आपका उसका भी इलाज इस इंश्योरेंस के अंतर्गत होगा, उसको हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे। वी विल इंक्लूड ऑल द प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस। सेकंड मेरा गलत है। ये स्कीम अलाउज नेशनल पोर्टेबिलिटी। हाँ जी, मान लो कि आपने कार्ड बनाया है बिहार में और आप काम करने जा रहे हैं राजस्थान, तो ये जो कार्ड है वहाँ भी वैलिड रहेगा, वहाँ भी आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा यहाँ पर थर्ड सही है। दिस स्कीम अलाउज नेशनल पोर्टेबिलिटी। आंसर क्या है, 1 और 3, बी इज द करेक्ट आंसर। अब न्यूज़ में क्या पाया गया है कि जो स्टेट्स जहाँ पर हेल्थ का स्थिति अच्छा है वहाँ पर क्लेम्स ज़्यादा आए हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ अच्छा है, वहाँ पर अवेयरनेस बढ़िया है, लोगों के पास कार्ड्स हैं, वो लोग इस स्कीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लेम फाइल कर रहे हैं। मगर कुछ जो स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूपी, झारखंड वगैरह, यहाँ पर हेल्थ उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर क्लेम कम आए हैं। इन राज्यों की तुलना में 2 से 2.5 गुना ज़्यादा जो स्पेंडिंग है, जो क्लेम है, वो देखने को मिले हैं तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, ठीक है। तो करना क्या है, वे फॉरवर्ड हमारा ये है कि जो राज्य पीछे हैं, जहाँ पर हेल्थ की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जहाँ पर अवेयरनेस कम है, वहाँ पर अवेयरनेस फैलाई जाए इस स्कीम के बारे में। इसमें क्लेम कैसे फाइल करते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, सब बातें बतानी चाहिए जनता को, ताकि वो उसका लाभ ले पाएँ। अब हम आपको बताइए, मैंने यहाँ पर इस स्कीम के बारे में सारी बातें, जन आरोग्य योजना के बारे में जो भी बातें हो सकती थी सब मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है ना। इसको पढ़िए, इसी को आप रिवाइज कीजिए। ये स्कीम अलाउ करता है नेशनल पोर्टेबिलिटी, आधार यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है। जो भी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर शामिल करेंगे। ट्रीटमेंट पैकेज रेट पर होगा, मतलब कोई बीमारी है ना, उस बीमारी के लिए जो जो बातें हैं, जो जो इलाज हैं, वो किया जाएगा, सबको इंक्लूड किया जाएगा इसमें। अब समस्या यहाँ पर यह आती है कि जो मेडिकल है ना, जो हॉस्पिटल हैं, वो हायर रेट वाले पैकेज को वहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। मतलब मान लो कि आपको है बीमारी बुखार की, उन्होंने कह दिया कि डेंगू है, समझ रहे हो, क्योंकि उसका पैकेज का रेट ज़्यादा है, हॉस्पिटल को ज़्यादा पैसा मिलेगा अगर वो पैकेज उसको इस्तेमाल करेंगे तो हॉस्पिटल जो है ना, वो जो बीमारी नहीं भी है, जो इलाज जरूरी नहीं भी है, वो भी इलाज कर देते हैं ताकि उनको पैसा मिले इस स्कीम के तहत, ठीक है। तो ये सब समस्याएं आती हैं।
दिस स्कीम ऑल्सो इंक्लूड प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेज, दवा वगैरह सब आपको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। फैमिली साइज और एज का कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आपके फैमिली में कितने भी लोग रहें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। 60% पैसा देगा केंद्र और बाकी पैसा देगा हमारा राज्य। इसलिए क्या है, ये सेंट्रली अनस्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। चलिए ये सब बातें हो गई हमारे इस स्कीम के बारे में। अगला हमारा सवाल है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बारे में। यही एजेंसी है, देखो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने नेशनल हेल्थ एजेंसी को रिप्लेस किया, ठीक है। और ये जो एजेंसी है अथॉरिटी वाला, यही अब बन गया इसका, इस स्कीम का सर्वे सर्वा। इट वॉज अर्लियर कॉल्ड एजेंसी, हाँ जी मेरा पहला सही है। इट ओवरसीज गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम PMJY, बिल्कुल सही है। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द डे टू डे अफेयर ऑफ NHA, नहीं ये जो मंत्रालय है ना ये नहीं देखेगा, अब इसे बाहर हो गया है। मेरा थर्ड गलत है, ठीक है। मेरा आंसर क्या है यहाँ पर, 1 and 2 ओनली, ए इज द करेक्ट आंसर। देखो ये जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये इसके चेयरमैन होंगे NHA के, इसका जो गवर्निंग बोर्ड होगा ना उसका, मगर जो मंत्रालय होगा ये NHA का दैनिक कार्य नहीं देखेगा, ये अब एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह काम करेगा ताकि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आराम से इम्प्लीमेंट किया जा सके बिना किसी सरकारी जो मतलब हस्तक्षेप है ना उसके। अगला हमारा सवाल है जन औषधि योजना पर, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है, हमने इसे कवर किया है स्कीम इस क्वेश्चन में। इट इज़ अ कैंपेन टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस। जन औषधि का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम लोग जो जेनरिक जेनरिक मेडिसिंस हैं इनको हम लोग बेचेंगे, ठीक है। अब जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, जेनरिक मेडिसिन वो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं जिनका पेटेंट ख़त्म हो गया है और इस ब्रांडेड मेडिसिन को अब कोई भी कंपनी बना करके बेच सकता है। जब उसका पेटेंट होता है 10 साल तक, तो ये जो कंपनी है ना केवल इसी कंपनी के पास उसको बनाने का मोनोपोली होता है, मतलब कि यही कंपनी उसको बनाएगी उसको बेचेगी, इसीलिए उसका प्राइस हाई होता है, ठीक है। मगर जब ये मेडिसिन 10 साल के बाद जेनरिक बन जाती है तो इसे कोई भी कंपनी बना सकता है, चूंकि यहाँ पर कंपटीशन बढ़ गया तो यहाँ पर प्राइस गिर जाता है, क्वालिटी सेम होती है, ठीक है ना। जो क्वालिटी पहले थी वही क्वालिटी अभी होती है, बस इसका दाम घट गया होता है क्योंकि इन सब कंपनी को इस दवा को बनाने में कोई रिसर्च नहीं करना पड़ा, इसीलिए इस रिसर्च का पैसा उसने उस दवा के दाम में नहीं जोड़ा, बस में आती है। तो जो जेनरिक मेडिसिन है उसको फैलाएगी, मेरे यहाँ पर पहला गलत है। इट हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत है ये, बस में आती है। मेरे यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों गलत है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU है ये इसका इम्प्लीमेंट करता है इस स्कीम को, ध्यान रहेगा। चलिए अगला हमारा सवाल है गंगानी डॉल्फिन के बारे में, ये भी न्यूज़ आई है इंडियन एक्सप्रेस में ही। अच्छा इंडियन एक्सप्रेस का जो हमारा आज का एक्सप्लेन्ड पेज है उसमें आपको बताया गया है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनके बारे में, किस तरह से फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया, कैसे अमेंडमेंट हुआ, क्या क्या बातें हैं जैसे ड्यूटी में, सब दिया गया है एक्सप्लेन्ड पेज पर, इसको पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। आगे हमने आपको सवाल दिया है एक पशु के बारे में, देयर स्पीसीज आर एमंग द वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड एलॉन्ग विथ सम स्पीसीज ऑफ टर्टल्स क्रोकोटाइल्स शार्क्स, शार्क टर्टल क्रोकोटाइल ऐसे वो सबसे प्राचीन जीवों में से आते हैं। दे आर जनरली ब्लाइंड वंधे होते हैं, कैच देयर प्रे इन अ यूनिक मैनर, दे इमिट अल्ट्रासोनिक साउंड, वो अल्ट्रासोनिक साउंड निकालते हैं जो इनका जो शिकार है उस तक पहुँचता है, शिकार से टकराता है और टकराने के बाद ये इसके जो मतलब कि सेंसर है इसके पास इस तक पहुँचता है और ये शिकार कर पाता है। ये जीव कौन सा है, ड्यूगोंग डॉल्फिन पर्पोइस ऑक्टोपस, ड्यूगोंग को बोलते हैं हम लोग समुद्री गाय, ये होता है शाकाहारी, शाकाहारी होता है। जो इंडिया के जो कोस्टल एरिया हैं यहाँ पर ये पाया जाता है। जो डॉल्फिन है ये ब्लाइंड होता है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करता है जिसको हम लोग इको लोकेशन कहते हैं,
ध्यान रहेगा क्या बोलते हैं, इको लोकेशन बोलते हैं। इको का मतलब होता है टकरा कर वापस लौटना। देखते हैं ना जब आप किसी खाली रूम में जाते हैं तो चिल्लाते हैं तो वहाँ पर आवाज़ गूंजती है ना, इसको बोलते हैं इको। पर्पोइज अंधा नहीं होता, ये है पर्पोइज। ठीक है, ऑक्टोपस को तो पता ही है इसकी आंखें होती हैं, इसके जैसे कि इसके अलग अलग हाथ पैर होते हैं बड़े बड़े से। तो आंसर मेरा क्या है, गंगाटिक डॉल्फिन। बाकी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ध्यान सुनना, जो पर्पोइज है और जो गंगाटिक डॉल्फिन है दोनों इंडिकेटर हैं नदियों के हेल्थ के। अगर वहाँ पर पोल्यूशन कम होगा तो डॉल्फिन का और जो पर्पोइज है इनका संख्या ज़्यादा होगी, मगर अगर पोल्यूशन बढ़ेगा तो इनकी संख्या कम हो जाएगी। गंगा नदी में जो गंगाटिक डॉल्फिन है उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये तो हो गई बातें गंगाटिक डॉल्फिन के बारे में। एक होता है हमारा इंडस रिवर डॉल्फिन, एक होता है हमारा इरावडी डॉल्फिन। दोनों के बारे में सवाल डिस्कस करेंगे हम लोग, मगर किसी और वीडियो में, देखते रहिएगा। मेरा आंसर यहाँ पर क्या है, बी गंगाटिक डॉल्फिन इज द करेक्ट आंसर। हमने आपको सर बात बता दी इसके बारे में, अब आपको इसका आंसर देना है। दीज डॉल्फिन आर जनरली ब्लाइंड एंड यूज अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बात सही है, हाँ जी अंधे होते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड का इस्तेमाल करते हैं। दिस डॉल्फिन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इस पर यूपी से सवाल पूछ चुका है पहले, ये जो डॉल्फिन है हमारा वो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है भारत का। मेरा पहला सही है, सेकंड सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। इसे कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, आईएमएफ या आईएलओ। ध्यान से इस पेपर का नाम देखो, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से कौन कंसर्न रहेगा, क्या वर्ल्ड बैंक रहेगा, क्या यूएनडीपी रहेगा, क्या आईएलओ रहेगा। आईएलओ रहता है कंसर्न लेबर से, जो लेबर का जो पे है वेज है उनसे। यूएनडीपी डेवलपमेंट से है एसोसिएटेड, वर्ल्ड बैंक भी डेवलपमेंट से है एसोसिएटेड है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसका काम है ये देखना कि क्या कोई कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट का समस्या फेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान फेस कर रहा था अभी, तो उसको उन्होंने पैसे दिए। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखता है हमारा आईएमएफ। सी इज द राइट आंसर। अगर आपको आंसर पता नहीं भी होता तो भी आप ऐसे आंसर निकाल सकते थे कॉमन सेंस लगा करके। ठीक, चलिए अगला हमारा सवाल है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये क्या होता है, अब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन, इक्वल सब्जुकेशन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ ये एक बहुत ही बेसिक फीचर है किसी भी संविधान का। इसका क्या मतलब होता है, इसका तीन मतलब होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, किसी भी व्यक्ति को कोई खास प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, सबको एक समान ट्रीट किया जाएगा, इक्वल सब्जुकेशन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ। जो देश के लॉ हैं वो सब पर बराबर इम्प्लीमेंट होंगे, उस पर लागू होंगे। नो पर्सन इज एबव लॉ, मेरा यहाँ पर पहला सही है, सेकंड सही है। ये जो इक्वल ट्रीटमेंट है इक्वल सर्कमस्टांसेस में, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंतर्गत आता है। दो बातें होती हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ध्यान है, तो जो इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस हैं वो आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंतर्गत, ना कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंतर्गत। तो दोनों बातों को हमने यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये सवाल यहाँ पर इंक्लूड किया है, इसको पढ़िएगा। मेरा पर क्या आंसर है, मेरा पर आंसर है ए, वन एंड टू ओनली आर करेक्ट। अगला सवाल है एपेक पर। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम फॉर पैसिफिक रिम मेंबर इकोनॉमी दैट प्रमोट फ्री ट्रेड थ्रू द एशिया पैसिफिक रीजन। ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है, क्या होगा, सही होगा, है ना, चांस ज़्यादा सही होने का, हम यहाँ पर इसको सही मान के चलते हैं। एपेक इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल मल्टीलेटरल ब्लॉक एंड फोरम इन द एशिया पैसिफिक रीजन। ये भी काफ़ी जैसे कि ब्रॉड स्टेटमेंट है, इसको मान लेते हैं कि सही है। चाइना, रशिया एंड इंडिया आर मेंबर ऑफ एपेक। इंडिया एपेक का मेंबर नहीं है, इसने अप्लाई किया है कि हमें भी मेंबर बना लो, मगर उन कंट्री ने कहा है कि यार तो जैसे कि तुम तो पैसिफिक को बॉर्डर नहीं करते, तुम तो इंडियन ओशन को बॉर्डर करते हो,
तो हम कैसे बने तुमको जो एपेक है उसका मेंबर। मगर कुछ कंट्री जैसे कि यूएस वगैरह उन्होंने सपोर्ट किया है इंडिया का इस क्लेम को, इंडिया का इस एप्लीकेशन को। मेरे यहाँ पर थर्ड गलत है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एपेक। मेरे यहाँ पर तीन 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 कट गया, मेरे यहाँ पर ए वन एंड टू आ गया, जो कि हमने सोचा था, है ना, हमने क्या माना था वन एंड टू सही होगा। आपको अगर आंसर नहीं भी पता होगा ना आपको एग्जाम हॉल में, तो आपको ऐसे सवाल सॉल्व करने हैं एलिमिनेट करके, गेस लगा करके, ठीक है ना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। इसमें 21 मेंबर होते हैं, इंडिया ने कहा है कि हम शामिल होना चाहते हैं, इसको सपोर्ट किया है यूएस ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, पापुआ न्यू गिनी जो कि एक पैसिफिक ओशियन का आइलैंड कंट्री है इन्होंने। अगला हमारा सवाल है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर। पहला, इट वॉज सेटअप एज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, क्या ये यूएन का पार्ट है? दूसरा, इट इज डेडिकेटेड टू इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड हंगर इन ग्रामीण एरिया ऑफ डेवलपिंग कंट्री। तीसरा, इट प्रोवाइड लो इंटरेस्ट लोन एंड ग्रांट टू फाइनेंस इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, क्या ये एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए लोन और ग्रांट भी देता है? यहाँ पर जो तीनों बातें हैं वो सही हैं, ये यूएन की एजेंसी है, ये लो इंटरेस्ट पर लोन भी देता है ताकि जो एग्रीकल्चर के जो इनोवेटिव सब्जेक्ट जैसे कि जो चीज़ें टेक्नोलॉजी वगैरह हैं उनको प्रमोट किया जा सके। 176 कंट्री हैं इस मेंबर IFAD के, ध्यान रहेगा जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री में आता है और इसको लोन मिलता है इन सब के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्थ लाइन जोड़ता और मैं कहता कि इंडिया हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी लोन बाय द IFAD, तो ये बात गलत होती, इंडिया ने लोन रिसीव किया है। मेरे यहाँ पर 1, 2, 3 सही है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला हमारा सवाल है उड़ान स्कीम के बारे में, इट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी। हाँ जी, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का ये एक टूल है, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ही उड़ान स्कीम लॉन्च किया गया। देखो, हमारी सरकार पहले पॉलिसी को अनाउंस करती है, रिलीज करती है, ठीक है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए वो अलग अलग प्रोग्राम बनाती है, स्कीम्स लॉन्च करती है, इनिशिएटिव्स लॉन्च करती है, बस में आती है, और इन्हीं स्कीम्स इनिशिएटिव के तहत जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना लॉन्च किया गया है, नेशनल हेल्थ मिशन चल रहा है, बस में आती है। तो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सब स्कीम लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोगों ने नेट ग्रिड वगैरह बिठाया है, हमने जो IT एक्ट है वो पास किया है, बस में आती है। तो जो भी स्कीम्स होंगे, जो भी एक्ट्स होंगे, ये सब इसी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल देंगे आपके एसे में उतने मार्क्स आएंगे। मेरे एसे में मार्क्स थे 130 एंड 133, ठीक है दोस्तों। तो आप जितना ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे आपके मार्क्स उतना ज़्यादा आएंगे। टारगेट कीजिए कि आपका मार्क्स 150 आए GS में। सोचिए ऐसे में GS में आप 100 मार्क्स लाने के लिए पसीने छुड़वा लेते हैं अपने, मगर ऐसे में आपका 130, 133, 140 इतना मार्क्स आराम से आ जाता है अगर आप अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में एग्जाम्पल दे दे के आंसर लिखें। तो जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल देंगे आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपके जो एग्जाम्पल है ना आपकी थ्योरी को वैलिडेट करते हैं, वो उसके प्रूफ की तरह काम करते हैं। अब जैसे देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान है, इसको लॉन्च किया गया है ना, और कई सारे जो मतलब आर्टिकल्स हमारे हैं वो सब इंक्लूड किए गए हैं, कई सारे जो एक्ट वगैरह हैं वो सब यहाँ पर डाले गए हैं। अभी जो मैंने लास्ट में बातें करी कि कैसे डाले गए, कैसे डाले गए हैं, अगर आप ऐसे लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि हमारा जो आर्टिकल 21A है ये इंक्लूड किया गया है, समझ रहे हो ना। तो जो जो स्कीम है आपका नाम लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि हाँ बहुत सारे काम किए गए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, मोटी मोटी बातों से नंबर नहीं मिलता, ठीक है। मेंस में मेरा यहाँ पर पहला है सही, द स्कीम एम्स टू मेक एयर ट्रेवल अफोर्डेबल थ्रू। हाँ, आपको मैंने दिखाया था अपने GS 1, 2, 3, 4 के नोट्स, शॉर्ट नोट्स याद है जो मैंने मेंस के लिए बनाया था, आपको वैसे ही नोट्स बनाने हैं किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, आपके उन्हीं नोट्स से सवाल आएंगे, आपका कोई भी कोचिंग मटेरियल कोई काम नहीं देगा, सब मोटे मोटे होते हैं, उतना आप रिवाइज कर ही नहीं पाएंगे। अरे बहुत नहीं पढ़ना होता यार UPSC के लिए, आपको स्पेसिफिक पढ़ना होता है, उसी को रिवाइज़ करते रहना होता है। हम सोचते हैं कि यार हम ये मोटी मोटी किताब पढ़ लें, नहीं, आपके पास जो ज्ञान है इसी को इस्तेमाल करना होता है वहाँ पे,
ठीक है, और सबके पास ज्ञान लिमिटेड ही होता है। ठीक है, मेरा यहाँ पर अगला स्टेटमेंट है, द स्कीम एम्स टू मेक एयर ट्रैवल अफोर्डेबल थ्रू सब्सिडाइज टिकट एंड टू प्रोवाइड इट्स एक्सेस टू स्मॉलर टाउन। यहाँ पर मेरा दोनों बातें सही है, मेरा आंसर यहाँ पर है सी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। जो सिलेक्शन पॉलिसीज में कहा गया था कि हम जो एयर ट्रैवल है इसको हम डेमोक्रेटाइज करेंगे ताकि जो लो इनकम के लोग हैं ना वो भी हवाई सफ़र का आनंद ले सकें, इसीलिए स्मॉलर टाउन में भी सर्विस देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो दूसरी थे बातें हमारे आज की, अगर आपको लगे अच्छा तो करना है लाइक, अगर आपको लगे खराब तो करना है डिसलाइक। हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रैकर्स IAS Academy, सारे PDF सारे वीडियोस यहाँ मैं डालता रहता हूँ, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।